तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। मैं प्रकाश प्रजापति आज के इस लेसन में आपको हारमोनियम पर एफ शार्प तीसरी काली से नागिन धुन बजाना सिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए और आपको ये धुन सीखने को मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वरों के बारे में। एफ शार्प तीसरी काली से देखें तो सबसे पहला स्वर सा, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, पा और कोमल धा। कोमल धा तक अपना काम हो जाता है। मंद्र सप्तक में अगर हम देखें तो कोमल नी का प्रयोग करेंगे, तो सा रे गा मा पा धा और मंद्र सप्तक में कोमल नी। दोस्तों, मैं नोटेशन के आधार पे भी आपको ये धुन बताऊंगा और गिनती के आधार पे भी सिखाने का प्रयास करूंगा। तो गिनती के आधार पे अगर हम देखें तो इसको हम जीरो मानेंगे, इसको एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, इस आधार पे हम ये नागिन धुन सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चार पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जो इसका पहला पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। नोटेशन के आधार पे देखें तो रे सा गे सा रे नी सा नी। गिनती के आधार पे देखें तो टू वन थ्री वन टू जीरो वन जीरो। एक बार और देख लेते हैं। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो किस तरह से होगा, ये इसका दूसरा पार्ट रहेगा। नोटेशन के आधार पे देखें तो रे सा गे सा रे नी सा। गिनती के आधार पे टू वन थ्री वन टू जीरो वन। तो ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। अब दोनों को हमें एक साथ बजाना है, तो किस तरह से इसको हारमोनियम पर प्ले करना है। रे सा गे सा रे नी सा नी रे सा गे सा रे नी सा। एक बार और देख लेते हैं। रे सा गे सा रे नी सा नी रे सा गे सा रे नी सा। गिनती के आधार पे एक बार और समझ लेते हैं। टू वन थ्री वन टू जीरो वन जीरो टू वन थ्री वन टू जीरो वन। नोटेशन के आधार पे एक बार और देख लेते हैं। रे सा गे सा रे नी सा नी रे सा गे सा रे नी सा। इस तरह से दोस्तों इसके ये दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में अगला जो तीसरा पार्ट है वो किस तरह से होगा। सा गा पा धा पा धा पा। ये तीसरा पार्ट है। गिनती के आधार पे देखें तो वन थ्री फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव। इस तरह से इसका ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। सा गा पा धा पा धा पा धा पा। अब जो चौथा पार्ट है उसमें क्या करना है। रे गा पा मा गा रे सा। किस तरह से रे गा पा मा गा रे सा। गिनती के आधार पे देखें तो टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन। एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। अब जो हमारा तीसरा और चौथा पार्ट है उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं।
नोटेशन के आधार पे देख लेते हैं। सा गा पा धा पा धा पा धा पा रे गा मा पा मा पा मा गा रे सा, इन दोनों पार्ट को आपको एक साथ बजाना है और वो भी दो बार बजाना है। सा गा पा धा पा धा पा धा पा रे गा मा पा मा पा मा गा रे सा, उसके बाद में सेम वही पार्ट बजेगा। रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा। तो दोस्तों पहला दूसरा तीसरा और जो चौथा पार्ट है, चार पार्ट में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको पहला और दूसरा पार्ट बजाना है किस तरह से। रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा, इसको आपको दो बार बजाना है। रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा, पहले इस पार्ट को दो बार बजाना है, उसके बाद में तीसरा और जो चौथा पार्ट है उसको दो बार बजाना है। सा गा पा धा पा धा पा धा पा रे गा मा पा मा पा मा गा रे सा, सा गा पा धा पा धा पा धा पा रे गा मा पा मा पा मा गा रे सा, उसके बाद में वापस बजाना है। रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा रे सा गे सा रे नि सा नि रे सा गे सा रे नि सा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये नागिन धुन बजा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सी शार्प से आपको ये बताया है और नागिन धुन और ताल के साथ में मैंने ये रियाज बताया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।